नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत वर्मा आप सबका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज बात करेंगे परफॉर्मेंस डोमेन्स की। ये पूरा लेक्चर जो है परफॉर्मेंस डोमेन्स पे होगा, और परफॉर्मेंस डोमेन्स जो है हमारे लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम प्रोजेक्ट में करते हैं। सो जैसे नॉलेज एरियाज थे हमारे, उसी टाइप से जो है परफॉर्मेंस डोमेन्स होते हैं जिनको हम क्विकली जो है कवर अप करेंगे अपने इस पॉडकास्ट में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो जो हमारे परफॉर्मेंस डोमेन्स हैं या हमारी जो प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ हैं, वो जो है 8 टाइप्स की होती हैं। 8 तरह की एक्टिविटीज़ में हमने कैटेगराइज किया हुआ अपने परफॉर्मेंस डोमेन्स को। तो जैसे सबसे पहली है स्टेक होल्डर्स, ठीक है दोस्तों, जिसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि स्टेक होल्डर एंगेजमेंट कैसे किया जाता है, और स्टेक होल्डर्स के साथ रिलेशनशिप कैसे जो है ज़रूरी होता है मेंटेन करना, ठीक है दोस्तों, कैसे जो है हमें वेरीफाई करते रहना पड़ता है कि हमारे स्टेक होल्डर्स जो है वो हैप्पी हैं कि नहीं है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा हम ये देखेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है उससे जो है हमारे स्टेक होल्डर्स के जो इंटरेस्ट हैं वो अलाइन करते हैं कि नहीं करते, ठीक है दोस्तों, और कैसे जो है हम स्टेक होल्डर्स का सपोर्ट जो है वो ले सकते हैं प्रोजेक्ट के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे स्टेक होल्डर, अपना जो स्टेक होल्डर का जो परफॉर्मेंस डोमेन होगा उसके अंदर। फिर हमारा आता है नेक्स्ट वाला जो है हमारा है टीम परफॉर्मेंस डोमेन, ठीक है, स्टेक होल्डर हो गया। अब टीम की बात करते हैं। अब स्टेक होल्डर के बारे में बात कर ली कि ये सब स्टेक होल्डर्स हैं, लेकिन टीम के बारे में बात करते हैं तो टीम को कैसे हाई परफॉर्मेंस टीम बनाना है, ये सारी बातें हम करेंगे अपने टीम परफॉर्मेंस डोमेन में, ठीक है दोस्तों। कैसे हमारे जो टीम के जो मेंबर्स हैं वो लीडरशिप कैपेबिलिटी शो कर सकते हैं, कैसे वो ऑनरशिप ले सकते हैं चीज़ों की, कैसे जो है वो जो डिलीवरेबल्स हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं, मतलब जो काम है उसको कैसे कर सकते हैं एफिशिएंटली, ठीक है दोस्तों, और अपने आप जो है कैसे अपने काम को जो है हैंडल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है टीम परफॉर्मेंस डोमेन में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। कैसे जो है उनकी प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ सकती है, कोलैबोरेशन कैसे वो कोलैबोरेट कर सकते हैं, कैसे जो है एक दूसरे को हमारे टीम मेंबर्स जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, दूसरे के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कौन सा लीडरशिप स्टाइल जो है हमारे टीम मेंबर्स जो हैं उनके लिए अच्छा हो सकता है, कैसे जो अपने इंटरपर्सनल स्किल्स जो है उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो है हमारी टीम की परफॉर्मेंस डोमेन जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे डेवलपमेंट अप्रोच एंड लाइफ साइकिल की। ये परफॉर्मेंस डोमेन जो है वो बेसिकली बात करते हैं इसमें हम कि कौन सी अप्रोच जो है हमें प्रोजेक्ट के दौरान यूज़ करनी है, कौन सा मेथड जो है हमें प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए यूज़ करना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है डिलीवरी कैडेंस, ये भी बात करेंगे हम डेवलपमेंट डोमेन में। सो डिलीवरी कैडेंस होता है कि जो हमारे डिलीवरेबल्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कितना जल्दी जो है हम अपने वर्जन्स निकालेंगे प्रोडक्ट के, और वो कितने टाइप्स के होते हैं फ्रीक्वेंसीज जो है, या जो हमारा डिलीवरी कैडेंस जो है कितने टाइप का होता है दोस्तों। फिर हम बात करेंगे कि जो हमारे प्रोजेक्ट की जो लाइफ साइकिल है वो कैसी होगी, उसमें जो सारे फेस होंगे वो क्या क्या फेस होंगे, देन हमारा हर फेस से एग्जिट करने का क्राइटेरिया क्या होगा, ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें डिफाइन करना हम सीखेंगे डेवलपमेंट डोमेन में। फिर हमारे जो 3 तरह के जो लाइफ साइकिल्स होती हैं, पहला जो है 3 तरह की जो हमारी अप्रोच होती हैं एक्चुअली, पहली जो है हमारी प्रेडिक्टिव अप्रोच, फिर हमारी एजाइल अप्रोच, उसके अलावा आइटरेटिव अप्रोच। सो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे हमारे डेवलपमेंट डोमेन में, ठीक है दोस्तों। और उसके अलावा जो है देखेंगे कि हमारे जो फेसेस हैं, हमारे जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के फेसेस होंगे वो क्या, लाइक उसमें काम कैसे होगा, वो सारी चीज़ें जो डेवलपमेंट डोमेन में हम डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे प्लानिंग की, प्लानिंग प्रोसेस डोमेन की, ठीक है दोस्तों। प्लानिंग
प्लानिंग प्रोसेस डोमेन में हम बात करेंगे कि कैसे जो है काम को ऑर्गेनाइज करना है, कैसे जो है बेसलाइंस प्लान करनी है, कैसे बेसलाइन सेटअप करनी है, कैसे जो है हमने बिजनेस केस बनाना है, कैसे प्रोजेक्ट चार्टर बनाना है, विजन बनाना है, विजन स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें जो हमारी प्लानिंग प्रोसेस डोमेन में आती हैं। ठीक है दोस्तों, और प्लानिंग के दौरान हमें ये भी देखना होगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस है, वो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, आगे कोई डेविएशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए जो है हम डेविएशंस को चेक करने के लिए, वेरिएशंस को चेक करने के लिए परफॉर्मेंस रिव्यूज़ करते हैं प्लानिंग प्रोसेस डोमेन में। ठीक है, तो सारे के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उनको कंसिडर करते हैं, जैसे कि मान लो बजट हो गया, स्कोप हो गया, स्केड्यूल हो गया। तो जितना ज़्यादा हम प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, इलेबोरेट कर सकते हैं, उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा प्लानिंग के प्रोसेस में। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली जो हमारी प्लान्ड परफॉर्मेंस है और हमारी जो करंट परफॉर्मेंस है, दोनों को कंपेयर करना। ठीक है दोस्तों, प्लानिंग में जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाना ताकि आगे जाके जो है दिक्कत ना हो, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको जो है कम्युनिकेट करते रहना उनसे, उनको लाइक इन्फॉर्म करते रहना। ठीक है दोस्तों, प्रोजेक्ट प्लान में कोई चेंज होता है तो जैसे कि एजाइल चेंज है तो उसको प्रोडक्ट बैकलॉग में उसको अपडेट करना, या प्रेडिक्टिव चेंज है कोई तो उसको चेंज कंट्रोल बोर्ड को भेजना। तो ये सारी चीज़ें जो हम बात करेंगे प्लानिंग परफॉर्मेंस डोमेन में। फिर हमारा आता है वर्क परफॉर्मेंस डोमेन, वर्क परफॉर्मेंस या प्रोजेक्ट वर्क परफॉर्मेंस। उसमें बात करेंगे हम प्रोसेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ की और प्रोडक्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ की। ठीक है दोस्तों, कैसे हमने काम को मैनेज करना है, प्रोजेक्ट वर्क को कैसे मैनेज करना है। ठीक है दोस्तों, कैसे एक सिस्टम बनाना है काम को करने का, कैसे वेंडर्स को और रिसोर्सेज को मैनेज करना है, कैसे नॉलेज ट्रांसफ़र करना है। ये सारी चीज़ें जो प्रोजेक्ट वर्क परफॉर्मेंस डोमेन में आएंगी। फिर हमारा जो है वर्क की प्रोग्रेस को कैसे मेज़र करेंगे, कैसे जो है स्टेटस रिपोर्ट शेयर करेंगे, वो सारी चीज़ें, जो भी प्रोसेस है वो बनेगा हमारा एज़ पर नीड्स, एज़ पर रिक्वायरमेंट्स, क्या एनवायरनमेंट है, किस कहाँ पे प्रोजेक्ट हो रहा है, उसका लोकेशन क्या है और बाकी एनवायरनमेंट क्या है प्रोजेक्ट के लिए, सारी चीज़ें कंसिडर करनी होती हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हम अपना जो है प्रोसेस का ऑडिट करेंगे और क्वालिटी, जिसको बोलते हैं क्वालिटी एश्योरेंस, ये भी प्रोजेक्ट वर्क परफॉर्मेंस डोमेन का पार्ट होगा। स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म करेंगे, फिजिकल रिसोर्सेज को मैनेज करेंगे, जैसे कि मटेरियल रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है दोस्तों, कॉस्ट कंट्रोल, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं, चेंजेस, टीम का जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करना, ठीक है, ताकि कम से कम एरर्स हों और कम से कम रीवर्क हो, तो वो सारी चीज़ें जो है हम इसमें अपना प्रोजेक्ट वर्क परफॉर्मेंस डोमेन जो है उसमें बात करेंगे। फिर हमारा आता है डिलीवरी, डिलीवरी में, डिलीवरी परफॉर्मेंस डोमेन में ज़्यादातर बात होगी हमारे, जब डिलीवरी की बात आ रही है तो हमारी जो स्कोप था, हमारी क्वालिटी की रिक्वायरमेंट्स थी, वो इंश्योर करना है कि वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है दोस्तों, जो हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्ट्रेटजी जो है उसके साथ अलाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारे जो टास्क हैं, प्रोसेसेस जो हैं, जो हमारे गोल्स हैं वो फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, बेनिफिट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है दोस्तों, बिजनेस केस से कंपैरिजन करके देखेंगे कि अभी जो डिलीवरी कर रहे हैं टास्क की, वो वैसी हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है दोस्तों, कोशिश ये रहती है कि हमारा जो टारगेट है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो, स्केड्यूल जो है वो जल्दी से जल्दी, मतलब हमारे एज पर शेड्यूल जो है हम अपना काम करें, अपने डिलीवरीज करें, रिक्वायरमेंट्स की क्लैरिफिकेशंस होनी चाहिए, रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, स्टेक होल्डर्स हमारे सेटिस्फाइड होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, और देखे जाते हैं, यहाँ पे देखे जाएंगे प्रोडक्ट रिटर्न कितने हुए, कंप्लेंट्स कितनी आई हैं, वो सारी चीज़ों के बेसिस पे पता चलेगा कि हमारा जो डिलीवरी परफॉर्मेंस डोमेन है वो क्या है। फिर उसके बाद लास्ट में आता है, सेकंड लास्ट जो है हमारा, वो है मेजरमेंट परफॉर्मेंस डोमेन।
इसमें मेजरमेंट की बात करेंगे। मेजरमेंट मतलब बेस्ड ऑन मेजरमेंट हमें परफॉर्मेंस मेजर करनी है, देन उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेने हैं, बेंचमार्क्स के साथ कंपेयर करके परफॉर्मेंस एवेलुएट करेंगे, ठीक है दोस्तों। प्लान्ड वैल्यूज जो होंगी उनसे कंपेयर करेंगे, और टीम की परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए जो है, और प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए स्टेप्स लेंगे। फिर बात करते हैं टाइमली डिसीजंस, डेटा जो होगा, क्योंकि मेजरमेंट्स की बात करें तो डेटा जो होगा उसकी बेसिस पे टाइमली डिसीजंस लेंगे, स्टेटस चेक करते रहेंगे कि कितना काम हुआ है, कितना बचा है, ठीक है दोस्तों। बिजनेस वैल्यू गोल्स क्या मिले हैं हमें, और फ्यूचर की जो परफॉर्मेंस है उसको फॉरकास्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है मेजरमेंट परफॉर्मेंस डोमेन में आती हैं। फिर हमारा आता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी की बात करें तो जैसे कि रिस्क हो गया, क्या रिस्क होंगे एक्टिविटीज़ में, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, अनसर्टेनिटी होगी, कई चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ पे। कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे, अनसर्टेनिटी देखेंगे, एम्बिग्विटी देखेंगे, वोलेटिलिटी देखेंगे, ठीक है दोस्तों। वोलेटिलिटी जैसे रैपिड चेंजेस, एम्बिग्विटी मतलब एक क्लियर पाथ ना होना, अनसर्टेनिटी मतलब लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स। सो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे अनसर्टेनिटी में, ठीक है दोस्तों। तो एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे, प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट क्या होगा, टेक्नोलॉजी कैसे इम्पैक्ट कर सकती है प्रोजेक्ट को, फिर हमारी सेफ्टी, फिजिकल जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं। कैसे हमें प्रोएक्टिव रहना पड़ता है रिस्क को लेके, ठीक है दोस्तों। किस तरह से जो हमें हमें रिस्क से जो है अपने प्रोजेक्ट को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, सारी चीज़ें जो है अनसर्टेनिटी में आ जाती हैं। सो दोस्तों परफॉर्मेंस डोमेन्स जो है वो हमारे हर प्रोजेक्ट में होते हैं, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें परफॉर्मेंस डोमेन्स का यूज़ करते हैं हम, और हर डोमेन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसको कई डोमेन्स पे काम करना पड़ता है, जैसे मान लो स्टेक होल्डर्स मैनेज करना, अनसर्टेनिटी, रिस्क को मैनेज करना, प्रोजेक्ट टीम को मैनेज करना। तो ये कई तरह के जो है परफॉर्मेंस डोमेन्स हो गए, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे परफॉर्मेंस डोमेन्स हैं वो ओवरलैप भी करते हैं एक दूसरे के साथ एज अ सिस्टम। सो एक सिस्टम बनाते हैं। सो अब बात करते हैं हर परफॉर्मेंस डोमेन के बारे में। जो भी हमने 8 परफॉर्मेंस डोमेन्स का क्विकली डिस्कशन किया उनको इंडिविजुअली अब डिस्कस करते हैं, तो शुरू करते हैं। सो दोस्तों अब सबसे पहले आता है हमारा स्टेक होल्डर परफॉर्मेंस डोमेन। सो इस डोमेन में बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि कैसे हम जो है स्टेक होल्डर्स को जो है बेस्ट तरीके से जो है उनको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे उनको एनालाइज कर सकते हैं, और कैसे उनके साथ एंगेज कर सकते हैं प्रोजेक्ट के दौरान, ठीक है दोस्तों। जो भी एक्टिविटीज़ हमें करनी होती हैं स्टेक होल्डर से रिलेटेड, और टास्क जो भी परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है दोस्तों, वो सारे स्टेक होल्डर परफॉर्मेंस डोमेन में हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि हमें अपने स्टेक होल्डर्स के साथ जो है एक प्रोडक्टिव रिलेशनशिप बनाना चाहिए, और उनके साथ जो हमारा रिलेशनशिप है उसको एवेल्युएट करते रहना चाहिए, और एवेल्युएशन के बाद जो है उनके जो एंगेजमेंट लेवल है कि वो कितना ज़्यादा एंगेज कर रहे हैं प्रोजेक्ट में, वो हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। उनका जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो हमें जो है मतलब ध्यान रखना पड़ता है प्रोजेक्ट, ताकि प्रोजेक्ट जो है हमारा परफॉर्म करता रहे ठीक से। तो ये हो गया दोस्तों कि हम अपना जो एंगेजमेंट है वो कैसे कर रहे हैं, कैसे करना है हमें स्टेक होल्डर्स के साथ ताकि हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो। उसके बाद जो है नेक्स्ट देखते हैं कि एंगेजमेंट तो ठीक है, लेकिन स्टेक होल्डर्स जो है वो आपके प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव के साथ, लाइक दे एग्रीड टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर प्रोजेक्ट, वो भी देखना है कितना एग्रीड करते हैं वो आपके प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को लेके, ठीक है दोस्तों। उनके जो इंटरेस्ट हैं क्या वो अलाइंड है प्रोजेक्ट के साथ, ये देखना होता है, ठीक है दोस्तों। ये देखा जाता है कि जो हमारा स्टेक होल्डर है वो कितने ज़्यादा रिक्वेस्ट
चेंजेस भेज रहा है, ठीक है दोस्तों, अगर वो फ्रीक्वेंटली चेंजेस भेज रहा है इसका मतलब वो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन नहीं है, सो वो चेक करना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा स्टेक होल्डर इंटरेस्ट लेगा आपके प्रोजेक्ट में, उतना ज़्यादा जो है आपका प्रोजेक्ट को सपोर्ट मिलेगा और वो सक्सेसफुल हो सकता है। दो तरह के स्टेक होल्डर होंगे, जो एक जो आपके प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते हैं और सेटिस्फाइड हैं, और दूसरे जो सेटिस्फाइड नहीं है या अनसपोर्टिव हैं या अपोज करने वाले स्टेक होल्डर हैं। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सपोर्ट कर रहा है और कौन अपोज कर रहा है? तो उनका बिहेवियर ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। फोकस ग्रुप्स जो होते हैं, फोकस ग्रुप्स के थ्रू जो है हमें, मतलब फोकस ग्रुप बेसिकली सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं, तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा हमें, जानने के लिए कि जो स्टेक होल्डर सपोर्ट कर रहे हैं या अपोज करना चाह रहे हैं। सर्वेज भेजने पड़ेंगे उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए, इंटरव्यूज़ करने पड़ेंगे उनके साथ, और इसके साथ साथ जो है अपना रिस्क रजिस्टर भी एक बार चेक करना पड़ेगा प्रोजेक्ट का, ये जानने के लिए कि स्टेक होल्डर्स जो है कौन सपोर्टिव हैं और कौन अपोज करने वाले हैं प्रोजेक्ट को। जो अपोज कर रहे हैं उनको कैसे उनके साथ डील करेंगे, सो ये इंश्योर करना जरूरी है कि वो प्रोजेक्ट को डैमेज ना करें, नेगेटिव इम्पैक्ट ना क्रिएट करें प्रोजेक्ट में। सो दोस्तों ये हो गया हमारा स्टेक होल्डर परफॉर्मेंस डोमेन। इसमें हमें चीज़ें समझ आती हैं कि कैसे जो है एंगेज करना है, कैसे एंगेजमेंट को इवेल्युएट करना है, जो स्टेक होल्डर के साथ एंगेजमेंट कर रहे हैं हम कैसे जो है हमें उनके इंटरेस्ट के बारे में जानना है, और कैसे जानना है कि कौन सा स्टेक होल्डर जो है वो पॉजिटिव है प्रोजेक्ट को लेके या नेगेटिव है। ये तीन चीज़ें जो हैं बेसिकली हमें स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में जो है मतलब करनी पड़ती हैं एज अ एक्टिविटी। अब देखते हैं कि जो टीम है हमारी, प्रोजेक्ट टीम है, उसके साथ कैसे डील करते हैं। तो उसके लिए हम बात करेंगे टीम परफॉर्मेंस डोमेन की। इसमें सारे वो टास्क डिस्कस करेंगे जो कि हम प्रोजेक्ट टीम से रिलेटेड होते हैं, हमारी प्रोजेक्ट टीम से रिलेटेड होते हैं, जो कि प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या डिलीवरेबल पे काम कर रहे हैं। एक ऐसा कल्चर बनाना जिससे जो है टीम मेंबर जो है वो हाई परफॉर्म अपना जो है हाई परफॉर्मेंस दे, ठीक है दोस्तों। उन एक्टिविटीज़ पे फोकस करना कि जिसमें जो है प्रोजेक्ट टीम का डेवलपमेंट हो और जो हमारी प्रोजेक्ट टीम है वो अपना लीडरशिप बिहेवियर शोकेस करें। तो एक तरह से जो है टीम के ऊपर काम करना कि कैसे वो बेस्ट परफॉर्म करे। तो सबसे पहले हमें जो है ये इंश्योर करना है कि हमारे जो प्रोजेक्ट टीम है उनको अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता है, प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता है, उनको क्या करना है उसके बारे में पता है, और वो अपनी जो बेसिकली जो डिलीवरेबल है उसकी ओनरशिप लें कि मुझे ये काम करना है, ठीक है दोस्तों। सो बेसिकली हमारी जो प्रोजेक्ट टीम का मेंबर है वो ये समझे कि इस प्रोजेक्ट का आधा ओनर वो है, आधे ओनर हम हैं। सो बेसिकली शेयर्ड ओनरशिप जो है उनको समझनी पड़ेगी या हमें उनको समझानी पड़ेगी। प्रोजेक्ट के लिए एक हाई परफॉर्मिंग टीम हमें डेवलप करनी होती है। हाई परफॉर्मेंस देने वाली टीम में क्या होता है, उनके जो प्रोडक्टिविटी लेवल होते हैं वो हाई होते हैं, ठीक है दोस्तों। वो कोलैबोरेट करते हैं एक दूसरे से, कोलैबोरेट करने से डरते नहीं हैं, ठीक है दोस्तों, ये रिलक्टेंट नहीं होते, तो कोलैबोरेशन के लिए एंथुसियास्टिक होते हैं, और हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट होता है मेंबर्स के बीच में, वो कोई भी चेंज आता है उस पर अडेप्ट करते हैं इजीली, और अपना काम जो है ठीक तरीके से करते हैं, बाकी जो टीम मेंबर्स हैं उनको रेकोगनाइज करते हैं हमेशा। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स के लिए लीडरशिप स्टाइल की, ठीक है, उनके इंटरपर्सनल स्किल्स की। तो जो हमारे टीम मेंबर्स हैं उनके पास लीडरशिप स्टाइल ऐसा होना चाहिए जो कि हमारे प्रोडक्ट के सिनारियों से मैच करे, ठीक है दोस्तों। वो अपने इंटरपर्सनल स्किल्स को यूज़ करें, इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए, डिसीजन लेने के लिए और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो इंटरपर्सनल स्किल्स हो गए, लीडरशिप स्टाइल हो गया, ठीक है दोस्तों। अलग अलग लोग जो है अलग अलग तरीके से जो है मतलब मैनेज किए जा सकते हैं। कल्चर हो गया, सिचुएशन होगी, वो अलग अलग तरीके से मैनेज होती है।
तो तीन चीज़ें ये हो गई टीम मेंबर परफॉर्मेंस डोमेन में, हमारी टीम परफॉर्मेंस डोमेन में। पहले जो है, सबसे पहली जो है वो है ओनरशिप लेने वाली टीम मेंबर्स, ठीक है, वो ओनरशिप लें अपनी, ठीक है। दूसरा जो है परफॉर्मेंस दें, ओनरशिप लेने के बाद परफॉर्मेंस दें, और उसके बाद जो है उनके पास एक लीडरशिप स्टाइल होना चाहिए जो कि प्रोजेक्ट से मैच करे, और इंटरपर्सनल स्किल्स होने चाहिए ताकि वो एक दूसरे को समझें, ताकि जो है डिसीजन लेने में आसानी हो, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। अब दोस्तों हमने स्टेक होल्डर्स की बात कर ली, टीम मेंबर्स की बात कर ली, ठीक है दोस्तों, तो लोगों की बात कर ली। अब बात करते हैं कि मतलब जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको कैसे किया जाएगा, अप्रोच कौन सी चूज़ करें, ठीक, कौन सा मेथड यूज़ करना है, तो उसको बात करेंगे, उसकी बात करेंगे डेवलपमेंट अप्रोच एंड लाइफ साइकिल परफॉर्मेंस डोमेन जो है हमारा तीसरा डोमेन है, तो उसमें जो है मेथड चूज़ करना है कि प्रोजेक्ट कैसे करना है, कौन सी डेवलपमेंट अप्रोच होगी और डिलीवरीज जो है कितनी फ्रीक्वेंसी पे होंगी, वो सारी चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले डेवलपमेंट अप्रोच की बात करते हैं, तो डेवलपमेंट अप्रोच जो है हमारी उसको कैसे सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, हमारा जो डिलीवरेबल्स हैं वो क्या हैं, बेस्ड ऑन दैट हम अपनी अप्रोच को चूज़ करेंगे। तीन तरह की अप्रोच होती हैं, प्रेडिक्टिव होगी, आइटरेटिव होगी और हाइब्रिड होगी। प्रेडिक्टिव जिसमें जो है हमारे अगर हमारा जो प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें हमारी रिक्वायरमेंट्स जो क्लियर हैं, बिल्कुल क्लियर हैं, तो प्रेडिक्टिव यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। आइटरेटिव होता है जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है, अनसर्टेनिटी है, चेंजेस आ सकते हैं, तो वो आइटरेटिव हो गया, ठीक है दोस्तों। और जहाँ ये दोनों चीज़ें हैं प्रेडिक्टिव और आइटरेटिव, उसको हाइब्रिड बोलते हैं, तो उसमें दोनों एस्पेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्रेडिक्टिव यूज़ कर लिया प्लानिंग के लिए और आइटरेटिव अप्रोच यूज़ कर ली बाद में, आगे के जो स्टेप्स हैं प्लानिंग के बाद के, तो उन स्टेजेस के लिए जो है आइटरेटिव अप्रोच यूज़ कर ली। अब बात होगी अप्रोच की, कि अप्रोच कैसे चूज़ करनी है प्रोजेक्ट के लिए। फिर उसके बाद बात करते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो है एक लाइफ साइकिल होनी चाहिए, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल होनी चाहिए, जिसमें हमारे सारे जो प्रोजेक्ट का काम है बिगनिंग से लेके एंड तक वो सारा कवर होना चाहिए उस लाइफ साइकिल में। तो प्रोजेक्ट की जो लाइफ साइकिल है उसमें जो है सारे फेस जो है प्रोजेक्ट के वो कवर होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। जैसे अगर वेबसाइट डेवलपमेंट की बात करें तो फेस क्या हो गया, हमारे प्लानिंग हो गया, डिजाइनिंग हो गई, डेवलपमेंट हो गई, टेस्टिंग हो गई, फिर लॉन्च हो गया और फिर क्लोजिंग हो गई। तो इस तरह से एक प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल है जिसमें हमारी सारी चीज़ें जो हैं, सारे स्टेजेस जो हैं कवर्ड हैं, ठीक है दोस्तों। हर फेस का एग्जिट क्राइटेरिया जो है वो डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर फेस के बाद क्या डिलीवरेबल हमें मिलेगा। जैसे कि वेबसाइट डिजाइन डिजाइन का फेस है तो डिज़ाइन मिलेगा, है यूज़र इंटरफेस जो है वो डिलीवरेबल है हमारा कोडिंग का, ठीक है, या डेवलपमेंट का। तो इस तरह से जो है एक लाइफ साइकिल होना चाहिए प्रोजेक्ट का। तो जो हमारे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के जो फेस होंगे या स्टेज होंगे उनमें डिलीवरीज होंगी, ठीक है दोस्तों। तो उनमें डिलीवरीज जो है वो किस फ्रीक्वेंसी पे होंगी ये हमें डिफाइन करना ज़रूरी है। जैसे कि मान लो सिंगल डिलीवरी है, सिंगल डिलीवरी मतलब जैसे एक ब्रिज जो है हमने बना दिया या बिल्डिंग बना दी, तो एक सिंगल डिलीवरी हो गई वो, उसमें सिंगल लाइक एक ही टाइम में जो है डेवलपमेंट हो गया, तो एक सिंगल फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों हमारा हो गया मल्टीपल डिलीवरीज, मल्टीपल डिलीवरीज जैसे कोई वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, उसमें डिज़ाइन बनाया, एक डिलीवरी हो गई, फिर कोडिंग करी, दूसरी डिलीवरी हो गई, फिर जो टेस्टिंग करी, तीसरी डिलीवरी हो गई। तो मल्टीपल टाइम्स जो है प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल में डिलीवरीज होती हैं, या वर्जन्स निकलते हैं, या आइट्रेशंस आते हैं, ठीक है, या कॉम्पोनेंट्स बनते हैं। तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में ज़्यादातर यूज़ होती है मल्टीपल डिलीवरीज। फिर हमारी पीरियोडिक डिलीवरीज होगी, मतलब 6 महीने में एक बार जो है एक वर्जन आया, अगले 6 महीने में दूसरा वर्जन आया, तो एक फिक्स्ड स्केड्यूल होता है, एक रेगुलर स्केड्यूल होता है डिलीवरी का, उसको बोलते हैं पीरियोडिक डिलीवरी। जैसे कि फ़ोन के जो अपडेट्स आते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट्स, तो 1 साल में एक बार ही आ गए, या 6 महीने में एक बार ही आ गए, या महीने में एक बार ही आ गए। कंटिन्यूस डिलीवरी मतलब जिसमें जो है छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स में जो है डिलीवरीज आती रहती हैं, मतलब पहला वर्जन आया, फिर उसका अपर लेवल का आया, फिर तीसरा वर्जन आया,
खत्म नहीं होता है, डिलीवरीज आती रहती हैं और प्रोडक्ट जो है इम्प्रूव होता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के जो फेस हैं उनको डिलीवरी कैडेंस को ध्यान में रखते हुए जो है बनाना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हमने तीन चीज़ें देखी। सबसे पहले हमने देखा कि हमने प्रोजेक्ट के लिए एक अप्रोच चूज़ करी, फिर उसके लिए एक लाइफ साइकिल बनाई, ठीक है, जिसमें स्टेजेस थे और हर स्टेज के जो डिलीवरी कैडेंस है वो डिसाइड किया। तो ओवरऑल डिलीवरी प्रोजेक्ट सॉरी डिलीवरी परफॉर्मेंस डोमेन में ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो अब बात करेंगे प्लानिंग की, प्लानिंग परफॉर्मेंस डोमेन की, जिसमें हम बेसिकली हमें अपने काम को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, तो ताकि जो हमारे डिलीवरेबल्स हैं वो क्रिएट हो सकें, डेवलप हो सकें, वो सारी चीज़ें जो है इसमें डिस्कस होंगी। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क, जैसे प्लानिंग में करते थे, प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप में करते थे, वैसे ही जो है प्लानिंग परफॉर्मेंस डोमेन में करते हैं। प्लानिंग के दौरान जो बेसलाइन बनाई जाती है स्कोप की, कॉस्ट की और स्केड्यूल की, जो कि एज अ बेंचमार्क यूज़ होते हैं, परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स। ठीक है दोस्तों, फिर हमारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, जैसे विजन स्टेटमेंट हो गया, फिर हमारा प्रोजेक्ट चार्टर हो गया, बिजनेस केस हो गया, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्लानिंग फेज में। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ें हो गई। सो अब बात करते हैं कि हम प्लानिंग क्यों कर रहे हैं। हम प्लानिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा प्रोजेक्ट जो है उसकी प्रोग्रेस अकॉर्डिंग टू द प्लान हो, जो हमने प्लान बनाया है। ठीक है दोस्तों, और वो डेविएट ना हो, प्लान के अकॉर्डिंग जो आगे बढ़ता रहे प्रोजेक्ट, उसमें काम होता रहे, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एज पर प्लान जो हैं वो हमें जो है अचीव होते रहे हमारे ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है दोस्तों, ऑर्गेनाइज और कोऑर्डिनेटेड मैनर में। और कैसे चेक करेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट एज पर प्लान चल रहा है, तो परफॉर्मेंस रिव्यूज़ करेंगे, परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे, प्रोजेक्ट की जो वर्क परफॉर्मेंस है उसको रिव्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, किससे किससे किसके अगेंस्ट रिव्यू करेंगे, जो बेसलाइन है, बेसलाइन क्या हो। ठीक है, तो फिर हमारे वेरिएंसेस निकल के आएंगे, तो वेरिएंसेस जो है वो थ्रेशहोल्ड पॉइंट्स के अंडर रहने चाहिए, थ्रेशहोल्ड लेवल से अंडर रहना चाहिए। सो प्रोजेक्ट प्लान का मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोजेक्ट प्लान बनाने का, कि हम अपने प्रोजेक्ट का जो गोल है उसको अचीव कर सकें सक्सेसफुली। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए जो है हमें हर तरीके से होलिस्टिकली एक प्लान बनाना चाहिए, जिसमें हमें सारे के सारे एस्पेक्ट्स को जो है कंसिडर करना चाहिए। स्कोप क्या है, बजट क्या हो रहने वाला है, स्केड्यूल क्या रहेगा, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी क्या है, प्रोक्योरमेंट कहाँ से करेंगे, इंटरनल करेंगे, एक्सटर्नल करेंगे। सो वो सारी चीज़ें जो हैं हमें इसमें मतलब देखनी पड़ती हैं ड्यूरिंग प्लानिंग। ठीक है दोस्तों, ये सारी की सारी चीज़ें हमें एक ही टाइम पे देखनी पड़ती है जब हम प्लानिंग कर रहे हैं, और ये भी देखना पड़ता है कि ये सारी एक दूसरे पे क्या प्रभाव डालती हैं सारी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, शुरू से जो है इन एस्पेक्ट्स को देखा जाता है, और सब कुछ अकाउंट में लेने के बाद, सारी चीज़ें जानने के बाद जो है हमें एक प्लान बनाए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है दोस्तों, तो प्लानिंग में जो है सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती है, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो इलेबोरेट करनी होती है। किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन, जो हमारी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं और उन रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट जो डिलीवरेबल्स हैं। ठीक है दोस्तों, उनको इलेबोरेट करना ज़रूरी है, उनके बारे में डिटेल में जानना ज़रूरी है कि बनाना क्या है। जितना ज़्यादा हमें प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी, हम जानेंगे, उतने ज़्यादा जो है हम अपने गोल को अचीव करने में सक्सेसफुल होंगे। ठीक है दोस्तों, कैसे पता चलेगा कि जो इलेबोरेशन है वो ठीक ठाक कर दी है, तो कंप्लीट कंपेयर जो है मतलब जो डिलीवरेबल हैं और जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, इनिशियल इन्फॉर्मेशन जो थी उसकी डिलीवरेबल की और रिक्वायरमेंट की, उसको कंपेयर करते हैं करंट इन्फॉर्मेशन से। ठीक है, जो हमारा बिजनेस केस है उससे कंपेयर करते हैं अभी जो करंट इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास उससे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने जो है इलेबोरेशन कितना ज़्यादा जो है कर रखा है।
कैसे पता चलेगा कि प्रोजेक्ट जो है वो अपने आउटकम को अचीव कर रहा है, जो भी उसका आउटकम था प्लान वो उसको अचीव कर रहा है, तो बिजनेस केस से कंपैरिजन करके जो है हमें पता चलेगा। तो जितना टाइम लगा सकते हैं हमें लगाना चाहिए, ठीक है, एक एप्रोप्रिएट टाइम जो है, एक फेयर फेयर टाइम जो है हमें लगाना चाहिए प्लानिंग के दौरान, ठीक है, उससे ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। बस ये इंश्योर करना चाहिए कि इतना टाइम लगाएं कि सारी चीज़ें कवर हो जाएं, ठीक है, कुछ भी मिसिंग ना हो। प्रोजेक्ट ऐसे प्लान करना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट जो हमारी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू प्रोजेक्ट प्लानिंग वो हमारे स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस को मैच करे, ठीक है दोस्तों। तो उसको कम्युनिकेट करना ज़रूरी है, जो भी हमारी प्रोजेक्ट प्लान है जो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। तो शुरू से ही हमें कम्युनिकेशंस जो है स्टेक होल्डर्स के साथ प्लान करने चाहिए। सो जो जो हमारा प्रोजेक्ट प्लान है उसमें ऐसे प्रोसेस भी होने चाहिए जो हमें हेल्प करें, कोई भी चेंज आता है अपडेट आता है प्रोजेक्ट प्लान में तो उसको कर सकें इजीली, तो उसके लिए भी सुविधा होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। कोई भी सिचुएशन होती है, जैसे कि मान लो एजाइल प्रोजेक्ट है या प्रेडिक्टिव प्रोजेक्ट है, तो एजाइल प्रोजेक्ट में जो है हम प्रोडक्ट बैकलॉग में चेंजेस कर पाएँ और हमारी प्रोडक्ट बैकलॉग को अपडेट कर पाएँ और प्रायोरिटाइज कर पाएँ जो जो हमारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको, या प्रेडिक्टिव प्रोजेक्ट है तो उसमें जो है हम चेंज कंट्रोल प्रोसेस के थ्रू जो है चेंजेस को भेज सकें, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें जो है मेंशन होनी चाहिए हमारे प्रोजेक्ट प्लान में कि चेंजेस कैसे होंगे। तो दोस्तों अभी तक हमने प्लानिंग की बात कर ली, ठीक है, प्लानिंग कैसे करनी है, और अब बात करेंगे प्रोजेक्ट वर्क की, ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क परफॉर्मेंस डोमेन, काम करने के लिए क्या प्रोसेसेस बनाने हैं, प्रोसेसेस कैसे क्रिएट करने हैं, ठीक है दोस्तों, काम कैसे करना है ताकि डिलीवरेबल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो सकें, जैसे एग्जीक्यूशन में करते थे वही चीज़ जो है प्रोजेक्ट वर्क में हम करेंगे। तो दोस्तों जैसे एग्जीक्यूशन में जो है हम क्या करते थे, जो हमारा काम होता था उसको मैनेज करते थे, या चेंजेस होते थे काम में उनको मैनेज करते थे, ठीक है, सिस्टम्स बनाते थे, प्रोसेसेस बनाते थे, स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म करते थे, उनके साथ कम्युनिकेट करते थे, प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन उनको देते थे, प्रोक्योरमेंट्स को मैनेज करते थे, कॉन्ट्रैक्टर्स वेंडर्स या सप्लायर्स के साथ काम करते थे उनको मैनेज करते थे, फिजिकल रिसोर्सेज जैसे कि इक्विपमेंट या मटेरियल उनको मैनेज करते थे, ठीक है, और चेंजेस को मैनेज करते थे, मॉनिटर करते थे, ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज को मैनेज करते थे, प्रोजेक्ट लर्निंग्स जो हैं उनको मैनेज करते थे। तो ये सारा एग्जीक्यूशन के टाइम पे होता था। तो सबसे पहले जो है हमारा प्रोजेक्ट वर्क परफॉर्मेंस में आता है कि हमें काम जो है वो एफिशिएंट वे में करना चाहिए और इफ़ेक्टिव मैनर में करना चाहिए, मतलब कि कोई भी हमें वेस्टेज नहीं होना चाहिए, कोई इशू या प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए वर्क के दौरान। सो उसको बोलते हैं एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। अपने प्रोजेक्ट वर्क की परफॉर्मेंस जो है उसको चेक करते रहना पड़ेगा, स्टेटस रिपोर्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। स्टेटस रिपोर्ट हमें बताएगी कि हमारा प्रोजेक्ट वर्क का काम जो है, प्रोजेक्ट वर्क जो है वो एज़ पर प्लान चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब हमने बात करी कि हमारा जो प्रोजेक्ट वर्क है वो एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में जो है हो रहा है प्रोजेक्ट के दौरान, ठीक है। उसके लिए हमें ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि हमारे जो प्रोसेसेस हैं वो एज़ पर प्रोजेक्ट की नीड्स के द्वारा, जो भी प्रोजेक्ट की नीड होगी उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपने प्रोसेसेस को डेवलप करें, या जो भी एनवायरनमेंट होगा एज़ पर एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट का उसके अकॉर्डिंग जो है हम रिक्वायरमेंट्स जो हैं या प्रोसेसेस जो हैं उनको सेटअप करें, ठीक है दोस्तों। प्रोडक्ट बनाने के लिए जो है सही प्रोसेस बनाएं और
जो एनवायरनमेंट के डायनामिक्स हैं उनको भी कंसिडर करना ज़रूरी है कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, कैसे पता चलेगा कि जो प्रोसेसेस हैं वो रेलेवेंट है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड है? तो प्रोसेस ऑडिट्स कर लो, क्वालिटी एश्योरेंस कर लो। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस। अब जैसे मान लो फैक्ट्री में केमिकल बनाना है, केमिकल डेवलप करना है, तो केमिकल डेवलप करने के लिए जो एक प्रोसेस बनाना ही पड़ेगा, वरना कल को सेफ्टी कंसर्न हो सकते हैं। ठीक है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो एक अगर हमने प्रोसेस डिफाइन नहीं करा है प्रोजेक्ट को करने के लिए, जैसे कि मान लो केमिकल बनाना, तो केमिकल बनाने के लिए एक प्रोसेस नहीं डिसाइड करा है, नहीं उसको जो है जाना है, तो वो दिक्कत हो सकती है आगे, तो रिस्क है इसके लिए। अब दोस्तों, प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टेक होल्डर्स तक पहुंचानी भी ज़रूरी है, तो उनको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो कम्युनिकेशन और एंगेजमेंट विद स्टेक होल्डर, इसको मेंटेन करना ज़रूरी है। और अगर कोई स्टेक होल्डर इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट डालता है एडहॉक बेसिस पे, तो इसका मतलब यह कि हमने उसको कम्युनिकेट प्रॉपरली नहीं करा है। ठीक है, तो स्टेक होल्डर की जो रिक्वायरमेंट है इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, वो हमें ले लेनी चाहिए पहले, और ये सब जो है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान में डालना चाहिए, जो हमारा कम्युनिकेशंस मैनेजमेंट प्लान है उसमें डालना चाहिए। जो भी इन्फॉर्मेशन हमें स्टेक होल्डर के साथ शेयर करनी है उसकी डिटेल्स कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान में होनी चाहिए। सो दोस्तों, प्रोजेक्ट के दौरान, प्रोजेक्ट वर्क जब हो रहा है, तो उसके दौरान हमें फिजिकल रिसोर्सेज को भी मैनेज करना पड़ता है, जैसे कि हमारा मटेरियल कितना यूज़ हुआ है, स्क्रैप कितना निकल के आया है, कितना रीवर्क हुआ है, तो वो सारी चीज़ें जो है हमें मैनेज करनी पड़ती हैं, फिजिकल रिसोर्सेज को मैनेज करना पड़ता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा रीवर्क हो रहा है तो इसका मतलब जो है काम ठीक से नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, या हम एक्स्ट्रा फिजिकल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, तो अगर रीवर्क कम करते हैं तो कॉस्ट कंट्रोल होगी। ठीक है, कॉस्ट अंडर कंट्रोल रहेगी, या मटेरियल की वेस्टेज कम करते हैं तो कॉस्ट अंडर कंट्रोल रहेगी। तो ये चीज़ें भी प्रोजेक्ट वर्क के दौरान हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। फिर दोस्तों, अगर काम जो है प्रोक्योरमेंट्स के थ्रू करवा रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस है वो ठीक से परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर वो ठीक से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एज़ पर प्लान परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है अपने काम को। ठीक है, और प्रोक्योरमेंट में जो है अप्रोप्रिएट प्रोसेसेस यूज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। सो ये सारी चीज़ें जो हैं प्रोक्योरमेंट्स भी, मतलब उनकी इफेक्टिवनेस भी देखनी पड़ती है प्रोजेक्ट वर्क के दौरान। सो अगर प्रोजेक्ट वर्क करते दौरान जो है हमें चेंजेस आ जाते हैं, तो उनको कैसे मैनेज करेंगे इफेक्टिवली, तो ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर प्रेडिक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो जैसा कि पहले मैंने डिस्कस किया था शुरू में, कि चेंज लॉग्स बनाने पड़ते हैं प्रोजेक्ट के, एक लिस्ट बनानी पड़ती है चेंज लॉग्स की। ठीक है, और फिर उन चेंजेस का इम्पैक्ट देखना पड़ता है, जो स्कोप है, स्केड्यूल है, बजट है, रिसोर्सेज है, स्टेक होल्डर है, रिस्क है, सब पे जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उन पे जो है उस चेंज का इम्पैक्ट देखना पड़ता है। तो प्रेडिक्टिव में जो है ये होता है, बेसिकली हम चेंज लॉग्स रखते हैं। फिर एजाइल में जो है हमारा प्रोडक्ट बैकलॉग, एजाइल में जो है प्रोडक्ट बैकलॉग होता है, जो कि हमें बताता है कि हमारा प्रोजेक्ट स्कोप क्या है और कौन से चेंजेस जो है वो प्रोजेक्ट में हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे जैसे प्रोजेक्ट का काम आगे बढ़ेगा, प्रोजेक्ट वर्क आगे बढ़ेगा, हमें जो ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे प्रोजेक्ट टीम की परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होनी चाहिए और वो कंटिन्यूसली लर्न करना चाहिए। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, प्रोसेस हमारे रिफाइंड होंगे, तो टीम है वो सीखेगी, अडेप्ट करेगी और नए प्रोसेसेस को लेके, और बेटर हो जाएगी। तो कैसे इवेलुएट करेंगे कि टीम परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो रही है कि नहीं हो रही? तो स्टेटस रिपोर्ट्स हैं, उसमें कम एरर आएंगे, टीम द्वारा जो किए गए कम एरर होंगे, रिवर्क कम होंगे, और वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है इंक्रीज़ होगी, काम की स्पीड जो है इंक्रीज़ होगी। सो अभी तक हमने बात कर ली प्रोजेक्ट वर्क की, अब बात करते हैं डिलीवरी की। ठीक है दोस्तों, डिलीवरी मतलब जो टास्क कर रहे हैं हम स्कोप को पूरा करने के लिए, या जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं
उनको पूरा करने के लिए। डिलीवरी का मतलब ये हो गया, तो जितना ज़्यादा स्कोप की क्लैरिटी होगी उतना ज़्यादा डिलीवरी अच्छी होगी, ठीक है। जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन और रिक्वायरमेंट पता होंगी तो डिलीवरी अच्छी होगी। सो ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है एज़ पर जो प्रोजेक्ट की डिलीवरी है एज़ पर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव जो है उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिलीवरी प्रोड्यूस हुई है। जैसे कि मान लो एक गोल बनाया गया था कि 50% प्रॉफिट होगा इस प्रोजेक्ट से, तो वो 50% प्रॉफिट हुआ है डिलीवरी जब प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। और जैसे स्ट्रेटेजी की बात करें कि जैसे हमें वर्ल्ड लीडर बनना है डेयरी प्रोडक्ट्स में, ठीक है, तो वो डिलीवरी वैसी हुई है, वो गोल अचीव हुआ है, वो स्ट्रेटेजी जो है हमारी अचीव हुई है, और उसके लिए हमने जो है एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स निकाले, बटर निकाला, पैकेज मिल्क निकाला, आइसक्रीम निकाली, लेकिन हमने उस स्ट्रेटेजी को अचीव किया, ठीक है। जो भी हमने स्ट्रेटेजाइज किया था उसको अचीव किया। सो जो हमारा डिलीवरेबल है, जो हमारे प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं, कंपनी की स्ट्रेटेजी है, वो सारी चीज़ें जो है अलाइन होनी चाहिए एक दूसरे से। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई चीज़ जो है वो अलग डायरेक्शन में है। सो अल्टीमेटली गोल जो है वो डिलीवर करने का, बेनिफिट्स जो कि हमने सोचे थे, जो कि हमने प्लान किए थे, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो बिजनेस केस है उससे कंपेयर कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को, कि हमने वो चीज़ें अचीव करी हैं, वो डिलीवरी जो है अचीव करी है कि नहीं करी। तो दोस्तों डिलीवरी जो है वो टाइम से होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए टाइम से? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमारी डिलीवरी अगर डिले हो जाए तो कंपटीटर की डिलीवरी अगर लॉन्च हो जाती है उस टाइम, उसका प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है तो वो डिलीवर करता है, तो आई थिंक जो मार्केट के जो बेनिफिट्स हैं वो उसको मिल जाएंगे। और इसीलिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है स्केड्यूल में रह के काम करना, और जो है मतलब तो स्केड्यूल से ज़्यादा टाइम ना लगाना, तो डिले नहीं करना चाहिए हमें प्रोडक्ट लॉन्च में। तो सही डिलीवरी के लिए ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट टीम को रिक्वायरमेंट्स का शुरू से पता हो, ठीक है दोस्तों। और एक हम एक बेस्ट प्लान बनाए प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट करने के लिए, ताकि जो हम कम से कम रिस्क जो है प्रोजेक्ट में आए और हमारा प्रोजेक्ट जो है वो डैमेज होने से बच जाए। तो जितनी ज़्यादा जानकारी हमें प्रोजेक्ट के बारे में होगी और टीम को जानकारी होगी, उतना ही अच्छा हमारे लिए रहेगा प्रोजेक्ट के लिए और उसका गोल अचीव करने के लिए। लास्ट में जो हमारे स्टेक होल्डर हैं वो हमारे जो डिलीवरेबल है, डिलीवरी है, उसको एक्सेप्ट कर लें, ये इम्पोर्टेंट है। और कोई कंप्लेंट ना रहे उनकी, कोई रिक्वेस्ट फॉर चेंज ना रहे, और उनका सेटिस्फेक्शन लेवल को चेक कर सकते हैं हम इंटरव्यू लेके, इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करके, उनसे एंड यूज़र से जो है फीडबैक लेके, ऑब्जर्वेशन, उनकी कंप्लेंट्स देख के नंबर ऑफ कंप्लेंट्स कितनी है उनकी, या प्रोडक्ट रिटर्न्स कितने हुए हैं, ये सब चीज़ें हमें बताएंगी कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, डिलीवरी है, वो एज़ पर कस्टमर रिक्वायरमेंट्स बना है कि नहीं बना, स्टेक होल्डर सेटिस्फाई हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों मेजरमेंट परफॉर्मेंस डोमेन की, मेजरमेंट की। इसके पर्पस क्या होते हैं? इसके पर्पस होते हैं प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना, और इवेलुएट करने के बाद करेक्टिव एक्शंस लेना, अप्रोप्रिएट एक्शंस लेना, ताकि जो परफॉर्मेंस है वो ट्रैक पे आ सके। मेजरमेंट से हमें क्या मिलता है? टाइमली और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए हमारे मेजरमेंट से हमें प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस से रिलेटेड। जो हमारी प्रोजेक्ट टीम है वो मेजरमेंट से उसको जो इश्यूज़ के बारे में पता चले और वो फिर जो वेरिएंसेस आए उनको एड्रेस कर सकें। हमारा मेजरमेंट हमें बताते हैं कि हमारा जो काम हुआ है वो बेंचमार्क से कितना मैच कर रहा है, ठीक है। जो भी हमने प्लानिंग के दौरान मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करे थे उनसे हम कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो काम हुआ है वो कितना परफेक्ट हुआ है और कितना वेरिएंट, मतलब कितना डेविएशन हुआ है उसमें। अभी जो हमारी परफॉर्मेंस है उसको जो है बेसलाइन से कंपेयर करते हैं, तो हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस का पता चल जाता है कि हम
हमारी परफॉर्मेंस डेविएटेड है या नहीं। तो जो भी डेटा निकलता है मेजरमेंट के थ्रू, उसको जो उससे जो हम परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करते हैं, और उससे जो हमारा वर्क का कोऑर्डिनेशन जो है बढ़ता है। तो मेजरमेंट्स के दौरान जो डेटा निकल के आ रहा है उसको हम यूज़ करते हैं करेक्टिव एक्शंस लेने के लिए और वर्क परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। एक्चुअल में देखा जाए तो उस डेटा का जो है टीम के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए भी यूज़ करते हैं। सो मेजरमेंट के बेनिफिट क्या है? मेजरमेंट के बेनिफिट हैं कि हम परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर लेते हैं एज पर प्रोजेक्ट प्लान, ठीक है, एज पर प्रोजेक्ट प्लान हम परफॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ठीक है दोस्तों। फिर जो अकाउंटेबिलिटी है उसको वेरीफाई कर सकते हैं, जो निकल के आएंगे मेजरमेंट से जो इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी उसको स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ये बेनिफिट है। बजट कितना यूटिलाइज हुआ है, काम कितना पूरा हुआ है, कितनी क्वांटिटी यूज़ हुई है और किस टाइप के रिसोर्सेज यूज़ हुए हैं प्रोजेक्ट में, सारी इन्फॉर्मेशन हमें मेजरमेंट से मिल जाती है। जो हमारे डिलीवरेबल्स हैं वो एज पर मतलब ट्रैक पे है कि नहीं है, एज पर प्लान्ड बेनिफिट्स वो इवेल्युएट कर सकते हैं। थ्रेट्स के बारे में डिस्कशंस कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। जो डिलीवरेबल्स हैं वो कस्टमर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो चीज़ें चेक कर सकते हैं मेजरमेंट से। मेजरमेंट से एक प्रोजेक्ट मैनेजर को क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है? उसको पता चलता है कि वो स्टेटस जो है प्रोजेक्ट का वो क्या है। एक प्रोजेक्ट मैनेजर को क्वेश्चन करने चाहिए अपने आप से, जिनका जवाब जो है मैं मेजरमेंट से मिलता है। तो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर मैं क्वेश्चन करूँगा कि मेरा कितना काम हो गया है, कितना बचा है, ठीक है, क्या क्या रिस्क हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं प्रोजेक्ट में जो फेस की गई हैं या आगे फेस कर सकता है, कॉस्ट जो है वो अंडर कंट्रोल है कि नहीं है प्रोजेक्ट के दौरान, क्या हम इस प्रोजेक्ट को टाइम से फिनिश कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये जो 5 क्वेश्चन मैंने अपने आप से पूछे, इनका जवाब देने में जो है मेजरमेंट हमें हेल्प करता है। तो इसको इसका जो आंसर है वो एक्चुअल में प्रोजेक्ट का स्टेटस है, ठीक है। अगर कोई पूछता है कि प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, स्टेक होल्डर पूछता है प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, तो आपको ये 5ों क्वेश्चन अपने आप से पूछने होंगे। तो मेजरमेंट्स एक्चुअल में हेल्प कर रहे हैं मुझे अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में, प्रोजेक्ट कहाँ स्टैंड कर रहा है इस टाइम पे, और फिर मैं डिसीजन ले सकता हूँ बेस्ड ऑन द डेटा दैट आई हैव। उसके बेसिस पे मैं डिसीजन मेकिंग कर सकता हूँ ड्यूरिंग द एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द प्रोजेक्ट, ठीक है दोस्तों। अगर प्रोजेक्ट का काम ट्रैक पे नहीं चल रहा है तो उस हिसाब से मैं करेक्टिव मेजर ले सकता हूँ, डिसीजन ले सकता हूँ। और ये डिसीजन जो है मुझे टाइमली लेने होंगे ताकि प्रोजेक्ट ट्रैक पे वापस आ सके। आगे जो है मैं अपने गोल्स को अचीव करना है, बिजनेस वैल्यू को अचीव करना है, जो भी मैं डिसीजन लूंगा उनके थ्रू। बेस्ड ऑन रिलायबल फोरकास्ट भी मैं डिसीजन ले सकता हूँ, ठीक है। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो क्रिएट की गई थी फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट करने के लिए, उसका यूज़ कर सकता हूँ मैं, उस डेटा का या इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर सकता हूँ बिजनेस वैल्यू क्रिएट करने के लिए। तो जो पुराने फॉरकास्ट हैं उनको रिव्यू कर सकता हूँ, और उन जो फोरकास्टेड परफॉर्मेंस लाइक इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतना परफॉर्मेंस होगा ये फोरकास्ट किया गया था, तो मैं उसको रिव्यू कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ और कंपेयर कर सकता हूँ, और कंपेयर करने के बाद मैं डिसीजन ले सकता हूँ। तो जो प्लान्ड परफॉर्मेंस है उसको एक्चुअल का परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सकता हूँ। सो इस तरह से हम ये भी चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि जो फोरकास्ट था वो कितना सच हुआ है अभी तक, ठीक है। हमें पता चल जाएगा कि हम कितना दूर हैं अभी अपने परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए। लास्ट में हम बात करेंगे अनसर्टेनिटी परफॉर्मेंस डोमेन की, दैट इज मोर अबाउट कि जो भी रिस्क है उनसे डील कैसे करना है। अनसर्टेनिटी इज मोर अबाउट लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज मोर अबाउट रिस्क, ठीक है दोस्तों। अनसर्टेनिटी कब आती है? जब लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, लैक ऑफ अवेयरनेस होता है, या हमें ज़्यादा जानकारी नहीं होती, तो अनसर्टेनिटी आती है।
ठीक है दोस्तों, जैसे रिस्क मैनेजमेंट था हमारा, वैसे ही हमारा अनसर्टेनिटी परफॉर्मेंस डोमेन है। तो यहाँ पे एम्बिग्युटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। एम्बिग्युटी होता है कि हमें सही रास्ता नहीं पता, कई रास्ते हमारे सामने लेकिन हमें सही रास्ते का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा, दैट इज एम्बिग्युटी, स्पष्टता नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि सिस्टम इतने प्रोसेस इतने कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है कि अब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वोलेटाइलिटी, वोलेटाइलिटी का मतलब है कि हम काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं ड्यू टू रैपिड चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उस वजह से जो है हमें काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं। फिर आता है रिस्क। रिस्क तो हम सभी पता है अनसर्टेन इवेंट है जिसका पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है प्रोजेक्ट पर। सो अनसर्टेनिटी जो हमारा एक्टिविटीज़ होती हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अनसर्टेनिटी रिस्क मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें पता चल जाए कि हमारा प्रोजेक्ट किस एनवायरनमेंट में रन होगा। ठीक है, प्रोजेक्ट किस एनवायरनमेंट में रन होगा वो हमें पता चले, हम अनसर्टेनिटी को कैसे हैंडल करेंगे, रिस्क को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, उसके लिए प्रो एक्टिवनेस आएगी। अगर हम अनसर्टेनिटी को प्लान करते हैं तो हमारा हम हमारे जो प्रोजेक्ट टीम है वो प्रोएक्टिव हो जाएगी टू रिस्पॉन्ड टू द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। तो ये आउटकम हो गया। ठीक है दोस्तों, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं अगर कुछ तो उनके बारे में पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, हम ऐसे सिस्टम बनाएंगे जिससे रिस्क जो है हैंडल हो जाएंगे। सो हमें पता होना चाहिए वो फैक्टर्स जिनसे अनसर्टेनिटी आ सकती है प्रोजेक्ट में, जैसे कि मान लो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, मतलब प्राइसेस अप या डाउन हो जाना, प्राइस वो वोलेटिलिटी बोलते हैं इसको, प्राइस वोलेटिलिटी। फिर हमारी टेक्नोलॉजी, अगर मान लो नया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आ गया तो हमारे एम्प्लॉयज़ को उसके बारे में नहीं पता, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है उसको कैसे ऑपरेट करना है, तो ये अनसर्टेनिटी आ गई। सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, वर्किंग कंडीशन हो सकते हैं, कहाँ पे काम कर रहे हैं, क्लीनिनेस, वो सब कुछ। ठीक है दोस्तों, फिर पब्लिक ओपिनियन इमेज, सोशल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे पब्लिक ओपिनियन क्या है, नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन है किसी प्रोजेक्ट के बारे में वो इम्पैक्ट कर सकता है हमारे प्रोजेक्ट को। इंडस्ट्री के कानून, एनवायरनमेंट या कंट्री रिलेटेड जो कानून हैं वो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि अनसर्टेनिटी क्रिएट कर सकते हैं। सो हमें अपनी ब्रांड इमेज के बारे में सोचना पड़ता है, ठीक है, वो कहीं से भी डैमेज ना हो, सो वो रिस्क हो सकता है, उसको प्लान करना पड़ता है। तो जब लीगल लीगैलिटीज़ की बात करते हैं तो हमें जिस कंट्री में हम रहते हैं वहाँ के कानून हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एनवायरनमेंट रिलेटेड कानूनों को फॉलो कर रहे हैं, इंडस्ट्री रिलेटेड जो लॉज हैं उनको स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं अनसर्टेनिटी को प्लान करते वक्त। कभी भी हमें जो है वेट नहीं करना चाहिए कि ये पर्टिकुलर रिस्क आएगा तो उसको हैंडल करेंगे। सो हमें प्रोएक्टिव होना पड़ता है। सेकेंड पॉइंट है प्रोएक्टिव होना, टू डिस्कवर न्यू रिस्क और उनको रिस्पॉन्ड करना। सो नए रिस्क जो है उनको डिस्कवर करना चाहिए, ठीक है, उनको फेस करना चाहिए जितना जल्दी हो सके, और उनको जो है उनके लिए रिस्पॉन्सेज क्रिएट करना चाहिए ताकि हम उनसे डील कर सकें। जो रिस्क रिस्क रिस्पॉन्सेज हैं उनको प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए कि इस पर्टिकुलर रिस्क को सबसे पहले हैंडल करना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, और उनका जो रिस्क का जो इम्पैक्ट होगा हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स पे वो भी देखना चाहिए, जैसे स्कोप, स्केड्यूल, कॉस्ट। सो हमें पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट के डिफरेंट हिस्से जो हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट कैसे हैं, जैसे कॉस्ट जो है डिपेंड होती है हमारे स्कोप पे, स्केड्यूल डिपेंड होता है हमारे स्कोप पे, तो वो सारी चीज़ें जो है हमें पता होनी चाहिए। इंटरडिपेंडेंट जो वेरिएबल होते हैं प्रोजेक्ट में उनके बारे में हमें पता होना चाहिए और वो कैसे एक दूसरे को अफेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, कोई भी एम्बिग्युटी नहीं रहेगी, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहेगी। सो जो रिस्क हैं उनको लाइटली नहीं लेना चाहिए। सो एक सिस्टम बनाना चाहिए टू आइडेंटिफाई, कैप्चर एंड रिस्पॉन्ड टू रिस्क।
सो हमारा अल्टीमेट गोल जो है वो होना चाहिए कि नेगेटिव इम्पैक्ट कम से कम हो प्रोजेक्ट पे, अपने प्रोजेक्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए रिस्क से जिनसे डिले हो सकता है या ओवर बजट हो सकता है प्रोजेक्ट। तो डिलीवरी डेट जो है उनके अंडर जो हमें डिलीवरी करनी चाहिए और बजट के अंदर अंदर जो है डिलीवरी करनी चाहिए प्रोजेक्ट की। तो दोनों की शेड्यूल परफॉर्मेंस और बजट परफॉर्मेंस जो है दोनों को हमें वेरिएंस थ्रेशोल्ड्स के अंडर रखना होता है, जो भी हमारे थ्रेशोल्ड्स हैं उनके अंडर रखना होता है। अगर प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा तो फिर डिलीवरी डेट जो एक्सीड हो जाएगी और बजट से ऊपर हो जाएगा तो कॉस्ट बढ़ जाएंगी, जो कि हम नहीं चाहते। और बात करें अपॉर्चुनिटी की, तो ऐसा मैकेनिज्म्स बनाने चाहिए जिससे हम अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें और उनका एडवांटेज ले सकें प्रोजेक्ट में। तो अपॉर्चुनिटीज़ रियलाइज करनी ज़रूरी है इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस के लिए। सो रिस्क को या फिर अनसर्टेनिटी को हैंडल करने के लिए कॉस्ट और स्केड्यूल के रिजर्व्स थे हमारे पास, तो उन रिजर्व्स को हम इफेक्टिवली यूज़ करें, हाई प्रायोरिटी जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए यूज़ करें, ठीक है दोस्तों। और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इश्यूज़ जो हैं वो विदाउट कॉस्ट या स्केड्यूल के रिजर्व्स यूज़ किए बगैर ही हम उनको रिजॉल्व कर दें। सो इसी के साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है परफॉर्मेंस डोमेन्स का। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, और कोई गलती हो गई तो उसके लिए वेरी मच सॉरी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।